आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2020 के राशिफल की। जानेंगे मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2020 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों की चाल किन बातों में आपको विशेष परिणाम प्रदान कर रही है। यह अगस्त 2020 का महीना दोस्तों कोई साधारण महीना नहीं है। इस माह में ग्रहों का गोचर आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन को लेकर आ रहा है। ऐसी बातें इस समय पर रहेंगी जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। तो चलिए बात करते हैं राशि फल के बारे में। इस महीने सर्वप्रथम सूर्य देव की बात करें तो दोस्तों सूर्य देव अपनी राशि में आ रहे हैं। 16 अगस्त को शाम 7:17 पर सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में अपनी राशि में और आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन बहुत ही अधिक मजबूत रहने वाला है। दोस्तों यह समय मेष राशि वालों के लिए लाभ प्राप्ति का समय रहने वाला है। 16 जुलाई के बाद आपके शासकीय काम तेज गति से बनेंगे। पिताजी से रिश्तों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संबंधों में मधुरता रहेगी। यदि पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां थी तो अब उनमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में भी सफलता के योग इस समय पर बने हुए हैं। सूर्य देव की मजबूत स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में भी 4 चांद लगा रही है। सूर्य देव का यह परिवर्तन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका देगा। यदि प्रतियोगी परीक्षाएं इस समय पर हैं, तो उन्हें आप निकाल सकते हैं। 16 अगस्त के बाद यदि परीक्षा परिणाम आ रहे हैं तो वह परिणाम सकारात्मक रहेंगे। जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार से इस समय को व्यतीत कर पाएंगे। जो भी लोग शासकीय फील्ड में जॉब के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हैं तो दोस्तों अब ऐसा समय आपके लिए आ चुका है जब आप अपनी अधूरी मनोकामना पूरी कर पाएंगे। सूर्य देव का यह परिवर्तन शासकीय फील्ड में रोजगार के प्रबल अवसर बना रहा है। सरकार से आर्थिक लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य अपनी राशि में और स्वयं के घर में है। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं, पुत्र सुख से वंचित हैं, आपके जीवन में संतान की किलकारी गूंज सकती है। और अगर आपके संतान पहले से हैं और संतान के साथ अगर कुछ कड़वाहट थी तो उनमें आप पहले से सुधार देखेंगे। मधुरता संतान के साथ रिश्तों में रहेगी। चलिए बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह की। दोस्तों मंगल 16 अगस्त को शाम 6:25 पर मीन से मेष राशि में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल स्वयं की राशि में विराजमान हो रहे हैं जो कि मेष राशि वालों के लिए इस महा परिस्थितियों को बहुत ही बेहतर बना रहा है। अपने पराक्रम में बढ़ोतरी आप देखेंगे। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहेगी। अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आप देखेंगे और जो दोस्तों परेशानियां अभी तक आ रही थी उससे बाहर आप निकल पाएंगे। इस दौरान दाम्पत्य जीवन के लिए भी मंगल का यह परिवर्तन बहुत ही सुखमय है। साझेदारी में अगर आपके काम है तो उनमें भी इस समय पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाइयों से अच्छे रिश्ते रहेंगे। मित्र बनाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों स्पोर्ट्स के फील्ड में मंगल संबंधित क्षेत्रों में अधिक रुचि आपकी रहेगी। सुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में यदि आप हैं तो लाभ की स्थिति बनेगी। इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति इस फील्ड में जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं, सुरक्षा स्पोर्ट चिकित्सा आदि क्षेत्रों में 16 अगस्त के बाद अच्छी अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। हर प्रकार से मंगल ग्रह का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा। जितनी भी परेशानियां मंगल संबंधित हो रही थी, 12वें भाव में मंगल के रहने से स्वभाव में क्रोध, कई प्रकार के वाद विवाद, मानसिक परेशानियां, भाइयों से मतभेद विवाद की स्थितियां, तो उनसे बाहर निकलने का अवसर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ मंगल आपको इस समय पर अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों बात करें बुध ग्रह की तो बुध ग्रह भी इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम बुध 2 अगस्त को सुबह 3:03 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध और राहु की युति टूटेगी और सूर्य और बुध की युति आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगी। और 16 अगस्त तक सूर्य और बुध एक साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। आपकी वाणी में मधुरता रहेगी। वाणी के फील्ड में गायकी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अकाउंटेंसी, बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में जो भी परेशानियां अब तक आप देख रहे थे उनसे आप बाहर निकलेंगे। कर्म भाव पर सीधी दृष्टि आपको कर्मठ बना रही है। इसी संबंधित कार्यों में बैंकिंग, वाणी से संबंधित इन सब से धन अर्जित करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। भूमि वाहन आदि का भी सुख आपको मिल रहा है। घर में संबंधों में मधुरता आप देखेंगे। बुध ग्रह का यह राशि परिवर्तन बेहद ही खास आपके लिए रहेगा। इसके बाद बुध 17 अगस्त को सुबह
8:29 पर दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे, जो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। दोस्तों, अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं, घर परिवार में मंगलमय कार्य पूर्ण होंगे। कुल मिलाकर ग्रहों का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। पंचम भाव में बुध स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे, आपके जीवन में मजबूती को लेकर आएंगे। यह समय अपनी वाणी से आप लोगों को आकर्षित कर पाओगे। चलिए बात करते हैं शनि देव की। तो दोस्तों, शनि देव अपनी राशि मकर राशि में है, जो कि आपको कर्मठ बना रहे हैं। अपने कामों में फोकस आपका इस समय बना हुआ रहेगा। शनि से संबंधित कामों में भी लाभ की स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं। भूमि संपत्ति संबंधित काम है तो उनमें धन अर्जित करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। मंगल भी मजबूत स्थिति में आ रहे हैं और शनिदेव आपके कर्म भाव में है, जो कि आपको भूमि संपत्ति संबंधित कामों में विशेष लाभ के अवसर बनाएंगे। धन एकत्रित करने का अवसर आपको देंगे। यह समय सीमेंट, रेत, तेल, लोहा, बजरी आदि शनिदेव से संबंधित व्यापार में कामों में जरूर आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, स्थान परिवर्तन के भी योग शनिदेव प्रदान कर रहे हैं। कुछ न कुछ ऐसे परिवर्तन जरूर होंगे, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभावों को प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ इस महीने में कुछ बातों के ऊपर आपको ध्यान देने की भी जरूरत बनी हुई है। दोस्तों, बृहस्पति देव आपके नवम भाव में विराजित हैं और बृहस्पति और केतु की युति आपके नवम भाव में है। चांडाल दोष इस समय पर बना हुआ है, जो कि यात्राओं में कुछ परेशानियां दे सकता है। विदेश से संबंधित कामों में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बृहस्पति का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, भाग्य का साथ आपको अन्य ग्रह जरूर प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति आपके नवम भाव में भाग्य स्थान पर बैठकर चांडाल दोष के कारण भाग्य में कमी दे सकते हैं, इसलिए बृहस्पति और केतु का उपाय आप जरूर करें। दोस्तों, साथ ही साथ शुक्र और राहु की युति इस पूरे महीने आपके तीसरे भाव में बनेगी, जो कि आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इसलिए दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ शुक्र से संबंधित जो भी काम आपके हैं, होटल, बिजनेस, टीवी, फिल्म, अभिनय आदि फील्ड हैं, इन क्षेत्र में आपकी चिंता और परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्त्रियों से संबंधित यदि आप सामान बेचते हैं, मेकअप संबंधित आपके काम हैं, तो दोस्तों इस फील्ड में आपको सावधानी रखनी होगी। शुक्र का उपाय भी आप जरूर करें। यदि शुक्र संबंधित कामों से आप जुड़े हैं तो उनमें सावधानियां आप रखें। शुक्र का कमजोर रहना प्रेम लव रिलेशन में भी कुछ परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। तीसरे भाव में शुक्र राहु के साथ दुर्घटना के योग प्रदर्शित कर रहे हैं। यात्राओं में विशेषकर सावधानी आप रखें। शुक्र व राहु की युति आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में विशेषकर सतर्कता रखने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद आदि बातें रह सकती हैं। हालांकि अन्य ग्रह आपको शुभ में परिणाम दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन में मधुरता प्रदर्शित कर रहे हैं। शुक्र का अशुभ होना आपके लिए परेशानियों को प्रदर्शित करेगा, इसलिए शुक्र के भी उपाय आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस समय पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आपको शुक्रदेव का उपाय करना चाहिए। सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर प्रत्येक शुक्रवार को जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति के उपाय आप जरूर करें। केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन अपने माथे पर आप जरूर लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन केले का दान आप करें, चने की दाल का दान करें। राहु और केतु के उपाय भी आपको इस महीने में करने होंगे। राहु के उपाय के लिए काले कुत्ते को प्रतिदिन आप रोटी जरूर खिलाएं और केतु के उपाय के लिए आप पक्षियों को दाना जरूर डालें। तो दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर करें। तो दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना काफी सारे सकारात्मक बदलावों को लेकर आ रहा है। कई सारी ऐतिहासिक बातों को आप इस महीने में होता हुआ देखेंगे। तो ये था मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2020 के राशिफल के बारे में।